से की खबर आ रही है कि मीडिया के सामने उद्धव ने हाथ जोड़ा। उद्धव ठाकरे भावुक हुए हैं मीडिया के सामने, ये खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। और हमारे सहयोगी कमलेश सुतार भी वहां से जुड़ रहे हैं, उद्धव के साथ आदित्य ने भी हाथ जोड़ा है। कमलेश, देखिए अंजना, एक तरह से मुख्यमंत्री आज जिस तरह से कैबिनेट में आए थे और जिस तरह का कैबिनेट के आखिर में उनका एक भावुक भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सभी के प्रति अपने आभार व्यक्त किए और कहा कि आप सभी का इस पूरे कार्यकाल में आपका कोऑपरेशन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो स्थिति है उसके लिए कारण मेरी पार्टी, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरे साथ कोणी कोणाचं चांगल्या पद्धतीने कोणी सहकार्य करतं तर ते आभार मानावं लागतं त्या ठिकाणी। मुख्यमंत्री ने यह बताया हमें कि बहुत अच्छा सहकार्य आप करते हो और आगे भी आपके तरफ से ऐसी सहकार्य की हमको अपेक्षा रहेंगी और मैं भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार हर टाइम करते रहूंगा। क्या सरकार बनी रहेगी, आपको विश्वास है? देखो ऐसा है कि वहाँ हाउस में जाने के बाद वोटिंग जो विधायक करता है वो अपने अंतरात्मा से करता है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी विधायक अंदर में आएगा वो विधायक ढाई साल में इस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार भी है उनके काम का कुछ ना कुछ अपने मन में जरूर अपने शांति से सोचेगा। दो साल इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से जो लड़ाई की उस लड़ाई के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सबने सहारा है, जुडिशरी ने भी उनकी तारीफ की है। दो साल में इस 12 करोड़ जनता को उन्होंने मदद की, सिर्फ यहाँ तक नहीं ये अदर स्टेट के लोगों को भी भूखा नहीं भेजा, इसकी भी तारीफ मीडिया के माध्यम से हमने सबने सुना है। उसके बाद एक अहम मुद्दा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके पर गौर हर आदमी ने करना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप सुन रहे थे रिएक्शन क्या बैठक में, वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है। कुछ देर रुककर वो मीडिया की तरफ नमस्ते करते हुए नजर आए, वहीं उद्धव ठाकरे भी कुछ इसी अंदाज में मीडिया के सामने होकर आगे निकले हैं। बैठक खत्म हुई है। कमलेश आप बता रहे थे। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री ने आखिर में जिस तरह से अभी मंत्री सुनील केदार बता रहे थे, कांग्रेस के मंत्री है और काफी तारीफ कर रहे थे उद्धव ठाकरे की कि उन्होंने कहा कि आपका कोऑपरेशन रहा है और आगे भी इसी तरह से चलते रहेगा, किस तरह से कोविड कार्यकाल में अच्छा काम उद्धव ठाकरे का रहा है इसके बारे में बात करते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात भी कही अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सामने, उनका कहना है कि आप मेरे अपनों ने मेरे साथ गद्दारी की इसलिए आज का वक्त आया। लेकिन कैबिनेट के बाद में कई सारी अटकली कैबिनेट के पहले लग रही थी, क्या ये आखिरी कैबिनेट होगा, महज कुछ घंटे होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहली बार पिछले दो बार कैबिनेट में वो ऑनलाइन उस कैबिनेट में शामिल हुए थे। सर्व मुख्य सचिवांपासून इतर अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि मंत्रिमंडळातले सर्व विषय पर आ रही है महाराष्ट्र पर और इसी की आप कवरेज देख रहे हैं। संजय, जैसे ही कोई खबर आती है आप इशारा कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब ऐसी स्थिति संजना जी जिसमें फंस गए हैं उद्धव ठाकरे। वो कहे बार बार धोखा दिया, वो बार बार कहे, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा जो विचारों की लड़ाई थी वो तो खुद ही वो साबित कर रहे हैं। अगर ढाई साल तक कुछ ना करने के बाद अब इस संकट के बीच तीन तीन फैसले शहरों के नाम बदलने के लिए जा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है, जैसा सिंघवी जी ने कोर्ट में कहा है कि कौन सा आसमान गिर जाएगा। संजना जी, बारिश आने वाली, बूंदाबांदी। संजना जी आवाज आ रही है? संजय आप इशारा करें, बताइए। सुनवाई में यही चल रहा है कि नीरज किशन कौल लगातार यही कह रहे हैं कि या तो सरकार इस्तीफा दे और नहीं तो फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास संख्या बल है, तो आपको फ्लोर टेस्ट कराने से दिक्कत क्या है? क्योंकि लगातार यही होता है कि जब मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट को लेकर इस तरह की अनिच्छा दिखाते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है। ये नीरज किशन कौल कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि राज्यपाल ने अपने विवेक से फैसला किया है, राज्यपाल को भी यह लग गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्यपाल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चल रहे हैं और उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि विधायक हमारे साथ नहीं है, जबकि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, ना उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब नीरज किशन कौल ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, ठीक है, ये कैबिनेट बैठक के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है संजय, मैं आ रही हूँ, इस पर मैं गौरव जी से एक रिएक्शन भी लूंगी।
लेकिन आपको बता दें कैबिनेट की बैठक के बाद अब उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे बाहर निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे मीडिया से बातचीत कर सकते हैं और वहां पर अपनी बात कह सकते हैं। कैबिनेट के अंदर उन्होंने धन्यवाद दिया है और इसी के साथ उस धोखे का जिक्र किया है जो वो मानते हैं कि उनके बागी विधायकों ने उन्हें दिया है। गौरव जी, जब तक रिपोर्टर जुड़ते हैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि ये बात भी तो है ना कि ये किसकी तरफ है, नहीं है, ये कैसे वैध माना जाएगा? एकनाथ शिंदे जाकर वहां कह दे कि मैं ही असली शिवसेना, इससे नहीं तय हो जाएगा ना? क्योंकि अभी तक क्या ये मान्यता इस बात को मिली है कि वो बगावती है, वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, ये तमाम बातें हैं ना अंजना जी? 55 विधायकों में से करीब करीब 39 और 40 विधायक शिवसेना के साथ आज नहीं है, तो कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है, ये हमारी एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है, वो कर लेगा। दूसरी बात, संजय जी का अनुभव बहुत है, लेकिन जिस कर्नाटका मामले की वो बात कर रहे हैं, वहां पे बीएस येडियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी ही थी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि जल्दी फ्लोर टेस्ट कराया जाए और हमेशा फ्लोर टेस्ट जल्द कराया जाए, यही प्रेसिडेंस रहा है। मैं एक सवाल बस राजनीतिक जरूर कहूंगा, जो लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र आओ देखेंगे, और अब शब्द भी कह रहे थे कि 40 शव आएंगे, आज वो फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की जो विचारधारा थी उसको तिलांजलि दी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, लेकिन सरकार बनाई एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, जिनको वो कोसते थे। और जो विधायक आज शिवसेना के साथ नहीं है वो भी ये बात कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे हमसे मिलते नहीं थे। 9 मंत्री मुख्यमंत्री से अलग हो जाए ये कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने असूलों की तिलांजलि देते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और हमें अपनी आस्था सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में रखनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है संजय, कोई नई दलील आ रही है क्या? इस बीच खबर मुंबई से भी आ रही है, मीडिया के सामने भावुक हुए हैं उद्धव ठाकरे। जल्दी से संजय। जी हाँ बिल्कुल, उधर से तो लगातार यहां पर दलीलें यही दी जा रही हैं कि फ्लोर टेस्ट को जितनी जल्दी हो वो कराना चाहिए, उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं है देश के न्यायिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में, कि अदालत ने किसी भी कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोका हो। ठीक है, अयोग्यता की कार्रवाई देता है, अयोग्यता की कार्रवाई अलग, फ्लोर टेस्ट को किसी कोर्ट ने रोका नहीं है। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे की खबर आ रही है कि मीडिया के सामने उद्धव ने हाथ जोड़ा, उद्धव ठाकरे भावुक हुए हैं मीडिया के सामने, ये खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। और हमारे सहयोगी कमलेश सुतार भी वहां से जुड़ रहे हैं, उद्धव के साथ आदित्य ने भी हाथ जोड़ा है। कमलेश देखिए अंजना, एक तरह से मुख्यमंत्री आज जिस तरह से कैबिनेट में आए थे और जिस तरह का कैबिनेट के आखिर में उनका एक भावुक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सभी के प्रति अपने आभार व्यक्त किए और कहा कि आप सभी का इस पूरे कार्यकाल में आपका कोऑपरेशन रहा है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो स्थिति है उसके लिए कारण मेरी पार्टी, क्योंकि मेरे अपनों ने मेरे साथ कोनी को चांगला पद्धति ने कोनी सहकार्य करता तो आभार माना लगता है। मुख्यमंत्री ने ये बताया हमें कि बहुत अच्छा सहकार्य आप करते हो और आगे भी आपकी तरफ से ऐसी सहकार्य की हमको अपेक्षा रहेंगी और मैं भी आपके साथ उसी तरीके से व्यवहार अटैम्प करते रहूंगा। क्या सरकार बनी रहेगी, आपको विश्वास है? देखो ऐसा है कि वहाँ हाउस में जाने के बाद वोटिंग जो विधायक करता है वो अपने अंतरात्मा से करता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी विधायक अंदर में आएगा वो विधायक 2.5 साल में इस उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार भी है, उनके काम का कुछ ना कुछ अपने मन में जरूर अपने शांति से सोचेगा। मुख्यमंत्री 2 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना से जो लड़ाई की, उस लड़ाई के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से सबने सहारा है, जुडिशरी ने भी उनकी तारीफ की है। 2 साल में इस 12 करोड़ जनता को उन्होंने मदद की, सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये अदर स्टेट के लोगों को भी भूखा नहीं भेजा, इसकी भी तारीफ मीडिया के माध्यम से हमने सबने सुना है। उसके बाद एक अहम मुद्दा है जो हम समझ नहीं पा रहे, उसके पर गौर हर आदमी ने करना चाहिए।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप सुन रहे थे रिएक्शन क्या बैठक में वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है। कुछ देर रुककर वो मीडिया की तरफ नमस्ते करते हुए नजर आए, वहीं उद्धव ठाकरे भी कुछ इसी अंदाज में मीडिया के सामने होकर आगे निकले हैं। बैठक खत्म हुई है। कमलेश आप बता रहे थे। हाँ जी, तो मुख्यमंत्री ने आखिर में जिस तरह से अभी मंत्री सुनील केदार बता रहे थे, कांग्रेस के मंत्री है और काफी तारीफ कर रहे थे उद्धव ठाकरे की, कि उन्होंने कहा कि आपका कोऑपरेशन रहा है और आगे भी इसी तरह से चलते रहेगा, किस तरह से कोविड कार्यकाल में अच्छा काम उद्धव ठाकरे का रहा है इसके बारे में बात करते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात भी कही अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सामने, उनका कहना है कि आप मेरे अपनों ने मेरे साथ गद्दारी की इसलिए आज का वक्त आया। लेकिन कैबिनेट के बाद में कई सारी अटकली कैबिनेट के पहले लग रही थी, क्या ये आखिरी कैबिनेट होगा, महज कुछ घंटे होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहली बार पिछले दो बार कैबिनेट में वो ऑनलाइन उस कैबिनेट में शामिल हुए थे, आज खुद आए मातोश्री से कैबिनेट के लिए, और इसलिए अटकलें लग रही थी क्या मंत्रालय से उद्धव ठाकरे आगे कहां जाएंगे, सीधे मातोश्री जाएंगे या राज। ठीक है, बीच में आपको टोकना पड़ रहा है लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है, क्या फ्लोर टेस्ट कल होगा, फैसला कोर्ट की तरफ से आना है, दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही है।